खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अजय सिंह ने कहा कि इस बार 20 सीट कांग्रेस जीतने की उम्मीद में है। अब वह तो समय ही बताएगा कि क्या हो रहा है, लेकिन तैयारी तो पूरी है। जब उनसे पूछा गया कि आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे फुटबॉल समझती है, पर मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। पिछले बार मैंने सीधी से टिकट मांगा था, तब मुझे सतना से लड़ाया गया था। इस बार मेरी कोई इच्छा कोई चाह नहीं है। अब पार्टी अगर मुझे लड़ाना चाहती है तो जहां से चाहे वहां से लड़ा सकती है। यह बताते हुए उन्होंने कहा कि सबसे प्रभावी मुद्दा हमारा लोकसभा चुनाव में हमारा विधानसभा का वचन पत्र होगा। वचन पत्र पर जिन भी मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही हुई है, वही मुद्दा हमारा चुनावी मुद्दा रहेगा, क्योंकि देश की जनता परिवर्तन चाहती है। लोकसभा चुनाव में 2014 में दो सीट थी, एक उपचुनाव में रतलाम झाबुआ सीट में कांतिलाल जी जीते तो तीन हुई। इस बार मिनिमम 20 सीट कांग्रेस जीतने की उम्मीद है। अब समय बताएगा कि कितना क्या हो रहा, लेकिन तैयारी पूर्ण है। आपका नाम भी सीधी सतना और भोपाल तीन जगह से चल रहा है, तो मैं तो एक तरह से फुटबॉल हूँ और नाम चल रहा है, जहाँ से देखे कहाँ से टिकट मिलता है। आपकी कहाँ पसंद रहेगी सीधी या? मैं एक कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पिछली दफे सीधी मांगा तो सतना से लड़ाया गया था। आपकी कुछ चाह ही नहीं है, जहाँ से पार्टी चाहे वहाँ से लड़ा दो, यदि लड़ाना चाहती है। क्या मुद्दे रहेंगे सर इस बार, क्योंकि अब राज्य में तो आपकी सरकार है, मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे प्रभावी मुद्दा लोकसभा चुनाव में रहेगा हमारा विधानसभा का वचन पत्र। वचन पत्र में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, चाहे वो किसानों का कर्जा माफ हो और अन्य मुद्दों पर जो तत्परता से कार्रवाई हुई, वो एक मुद्दा रहेगा। और मुख्य रूप से एक परिवर्तन प्रदेश की जनता चाहती है। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।